मनोज जी, मैं लोकमत न्यूज से प्रतीक्षा कुकरेती बोल रही हूँ और बॉलीवुड अभिनेत्री श्रीदेवी जी हमारे बीच में नहीं रही, इस पर आपके क्या प्रतिक्रिया है? बस मैं तो उनकी सबसे बड़ी फिल्म खुदा गवाह का प्रोड्यूसर रहा हूँ और खुदा गवाह तो अफगानिस्तान में जब लड़ाई चल रही थी सब शूट कर रहे थे जी। और माँ और बेटे का किरदार अमिताभ बच्चन जी के सामने करना बहुत बड़ी बात थी जी। और दोनों में इतना अच्छा किरदार उन्होंने निभाया, जस्टिफाई किया है। और मैं क्या बोलूँ, इंडस्ट्री को बहुत बड़ा लॉस हो गया है। एक ब्यूटी क्वीन, एक्टिंग की बेताज रानी, उनकी जितनी भी पिक्चर आप देखो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नया होता है। तो मैं एज ए प्रोड्यूसर ऑफ खुदा गवाह बहुत ही दुखी हूँ और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और बस भगवान से ये प्रार्थना है कि उनकी जो उनकी फैमिली में सबको भगवान इतनी शक्ति दे कि ये मुसीबत जो आई है उसका सामना कर सके। मनोज जी, आपने उनके साथ काम किया, इतनी बड़ी उनकी आइकॉनिक फिल्म खुदा गवाह के प्रोड्यूसर रहे, तो कोई एक एक्सपीरियंस फिल्म के दौरान, शूटिंग के दौरान आपके साथ हुआ हो श्रीदेवी की, कुछ कोई उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके अस्तित्व के बारे में कुछ बताना चाहें? उनका एक ही व्यक्तित्व था, सिंसियरिटी। उनका एक ही व्यक्तित्व था कि जब भी जो भी सीन अमित जी के साथ या किसी भी और खास के साथ दूसरे दिन होने वाला होता उसको रात को ही वो बरोबर एब्सोल्युटली करेक्ट तरीके से पढ़ लेती थी, भले रात को 2 बजे रात के सुबह 7 के शिफ्ट क्यों ना हो, लेकिन वो अपना पूरा होमवर्क करके सेट के ऊपर आती थी और तभी इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे पाई है वो। जी जी, खुदा गवाह के आप प्रोड्यूसर रहे हैं और श्रीदेवी से आपने काम किया, अफगानिस्तान में किया है, सर क्या क्या चुनौतियां रही उस टाइम पे और किस तरीके से आपने आपका एक्सपीरियंस रहा है उनके साथ? बेसिकली बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा और मैं तो बरसों से मैं खुदा गवाह के बाद से उनको जानते ही रहा क्योंकि मैं फिल्म लाइन में ही हूँ, मैं थिएटर में ही है, मेरे गेटी गैलेक्सी और मराठा मंदिर सिनेमा भी है। तो बोलने का मतलब मेरा ये है कि उसके बाद भी उनसे मुलाकात होती रहती थी। शी वॉज वेरी सोबर, साउंड, वेरी नाइस वुमन और बहुत ही मेहनती थी। अपनी एक्टिंग में ऐसे घुस जाती थी कि कोई भी सोचने पर मजबूर हो जाता था। जी, जी, जी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने की, शुक्रिया। उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, यही प्रार्थना। और अभी देखो कब आता है, कैसे फिनर होता है, क्योंकि आई एम एट प्रेजेंट इन गुजरात, आई हैव अनदर शोक, माय पास्ट अंकल सन डाइड इन एक्सीडेंट, तो मैं वहाँ हूँ अभी, लेकिन देखो मैं पहुँचने की कोशिश करूँगा। पल्सर से आ जाऊँ तो ठीक है, अगर नहीं आ पाया तो फिर प्रार्थना सभा में, अगर आप मुझे बता दें फोन करके, प्रार्थना सभा सब है तो आपका आपकी मेहरबानी है, मैं आपको डेफिनेटली अपडेट करूँगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया।